सो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज को हम बात करने वाले हैं कि आप अगर अपने फ़ोन पे गिफ्ट कार्ड में आप पैसा ऐड करना चाहते हैं तो अपने फ़ोन पे गिफ्ट कार्ड में आप पैसा ऐड कैसे करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा। तो आज के समय में आपको सब कुछ लाइव करके बताने वाले हैं, लाइव करके दिखाने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप अपने फ़ोन पे गिफ्ट कार्ड में पैसा ऐड करना चाहते हैं तो आपको कैसे ऐड करना पड़ेगा और आपको क्या करना पड़ेगा, तो चलिए गाइस बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फ़ोन पे गिफ्ट कार्ड में पैसा ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले फ़ोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। अगर आपके फोन में फोन पे एप्लीकेशन नहीं है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उनसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आपको इस तरीके से ओपन करना है। ओपन करने के बाद में अब आपका जो फोन पे एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब आपको धीरे धीरे नीचे आना है। नीचे आने के बाद में अब आपको सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन होगा गाइस, नीचे आना है। नीचे आने के बाद में अब आपको सिंपली यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में अब आपका जो प्रोफाइल है इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन हो रहा है व्यू ऑल पेमेंट मेथड्स का, तो आपको व्यू ऑल पेमेंट मेथड्स पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में सब आपके सामने आप इस तरीके से ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहां पर एक ऑप्शन हो रहा है पे फोन पे गिफ्ट कार्ड का, तो आपको सिंपली फोन पे गिफ्ट कार्ड पे क्लिक करना है। पे मैनेज का ऑप्शन है, आपको मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कह रहा है टोटल कैशबैक एंड गिफ्ट कार्ड बैलेंस। तो गाइस यहाँ पे आपका 00 दिखा रहा है, गाइस आपके गिफ्ट कार्ड पे पैसा होगा तो यहाँ पे पैसा दिखाएगा। लेकिन गाइस अगर आपका आपका यहाँ पे 00 दिखा रहा है तो अब आपको सिंपली नीचे एक ऑप्शन हो रहा है गिफ्ट कार्ड क्लेम नाउ। सो गाइस अगर आपके पास गिफ्ट कार्ड है तो आप यहाँ से क्लेम नाउ कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, आपको आपका डायरेक्टली क्लेम हो जाएगा। उसके बाद में आपको सिंपली नीचे यहाँ पे ऑप्शन हो रहा है बाय नाउ कार्ड का, तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फोन पे गिफ्ट कार्ड यहाँ पे व्यू डिटेल्स का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। और गाइस यहाँ पे कह रहा है एंटर अमाउंट, तो गाइस आपको यहाँ पे कह रहा है कि आप पैसा यहाँ पे डाल सकते हैं। तो गाइस अगर आप ऐसे 250 रुपए से नीचे अगर आप डालेंगे तो आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे कि समय से 150 रुपए ऐड करना चाहते हैं, 155 रुपए ऐड करना चाहते हैं, इस पर डाल देंगे, उसके बाद में मेरे 155 रुपए ऐड नहीं होगा इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 155 रुपए ऐड नहीं, तो फाइनली गाइस आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। तो अब आपको सिंपली यहाँ पे अमाउंट डाल देना कि आप कितने रुपए ऐड करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि हम 10 रुपए ऐड करना चाहते हैं, 10 रुपए डाल देंगे। 10 रुपए डालने के बाद में अब आपको सिंपली यहां पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में सब आपको सिंपली यहां पे पेमेंट करना अपने बैंक के थ्रू। आपको आपके बैंक से पैसा कटेगा तो आपको अपने बैंक से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए समझे क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे, अपने यूपीआई पिन डालेंगे। यूपीआई पिन डालने के बाद में मेरा जो ट्रांजेक्शन है सक्सेसफुली हो जाएगा। मेरा यहाँ पे मेरे फोन यहाँ पे फोन पे गिफ्ट कार्ड में मेरा जो पैसा अभी ऐड नहीं हुआ है, मेरा यहाँ पे केवल अभी कार्ड परचेज हुआ। कार्ड परचेज होने के बाद में यहाँ पे इस तरीके से गाइस आपको गिफ्ट कार्ड नंबर मिलेगा और पिन मिलेगा। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको गिफ्ट कार्ड नंबर और पिन को आपको कॉपी करना है। यहाँ पे 25 96 33 है मेरा यहाँ पे पिन, तो हमसे क्या करेंगे यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद हम क्लेम नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लेम नाउ पे क्लिक करने के बाद अपने नंबर को डाल देंगे। नंबर डालने के बाद यहाँ पे 25 33 96 25 33 96 यहाँ पे कैसे हम अपने गिफ्ट कार्ड नंबर को डाल दें। गिफ्ट कार्ड नंबर डालने के बाद पिन डाल दिए। पिन डालने के बाद में अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 0 बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 0 बैलेंस दिखा रहा है, तो फिर से यहाँ पे क्लेम नाउ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अपना जो हम नंबर कॉपी किया, नंबर कॉपी करने के बाद हम पे पेज कर देंगे यहाँ पे 25 33 यहाँ पे 96। तो फाइनली गाइस हमसे क्या किया है पे कार्ड नंबर और पिन डाल दिया। डालने के बाद हम जैसे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे तो गाइस मेरे गिफ्ट कार्ड में यहाँ पे 10 रुपए ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से गाइस आप अपने फोन पे गिफ्ट कार्ड में आप पैसा ऐड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए होगी कि आप अपने फोन पे गिफ्ट कार्ड में पैसा कैसे ऐड करते हैं। सो गाइस अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी हो जा रही है तो डायरेक्टली आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।